बिछ गई है नगरपालिका चुनाव की बिसात, प्रत्याशियों के वादे आम जनता की बात। नगरपालिका के हर वार्ड में क्या है समस्याएं, सड़कों और पानी की किसे मिलेगी सौगात। बाढ़ की हर एक समस्या, बाढ़ के हर एक व्यक्ति के जज्बात। क्या सोचते हैं पुराने पार्षद, क्या है अब वहां के जनता की बात। किन समस्याओं से जूझ रही है हर वार्ड की जनता, प्रत्याशी जीतने के बाद क्या देंगे सौगात। कितने कहां से किस वार्ड से प्रत्याशी हैं मैदान में, क्या है उनका चुनाव चिन्ह, किस पार्टी का कितना है इन वार्ड में दम। कौन किसके लिए दिखा रहा अपनापन, यह सब कुछ दिखाएंगे हम एसीएन न्यूज़ के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे खास कार्यक्रम बाढ़ परिक्रमा के साथ। नमस्कार, एसीएन न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम मौजूद हैं आपके साथ एक और नए वार्ड में, और बाढ़ परिक्रमा के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे इस बाढ़ की पूरी हकीकत। इस बाढ़ में खड़े हुए प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात भी कराएंगे और उनसे जानेंगे उनका एजेंडा, साथ ही जानेंगे क्या कुछ इस बाढ़ में अभी तक विकास हुआ है और क्या कुछ संभावनाएं यहां पर हैं। इन संभावनाओं के चलते प्रत्याशी मैदान में हैं और क्या कुछ करेंगे इस बाढ़ के विकास के लिए सारे प्रत्याशी, क्या कुछ है इनके वादे, क्या है दावे और क्या कुछ कहती है जनता, इस सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे इस वार्ड परिक्रमा के माध्यम से। तो हम हैं मागंज वार्ड नंबर 3, जिसे वार्ड नंबर 13 के नाम से लोग जानते हैं। सरदार पटेल वार्ड इनका फाइलों में नाम है। फाइलों में नाम इसलिए क्योंकि हर एक वार्ड का जो नाम है वह सरदार पटेल नाम है, लेकिन लोग इसे मागंज वार्ड नंबर 3 के नाम से जानते हैं। मतदाताओं की यदि बात करें तो 1765 मतदाता यहाँ पर हैं। पूर्व के पार्षद हैं संजू कविता यादव, और वर्तमान में प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से हैं बालकृष्ण यादव, कांग्रेस से धर्मेंद्र ठाकुर और टीम सिद्धार्थ मलिया से मनीष सोनी बबलू जी इस यहाँ पर बाढ़ पार्षद के प्रत्याशियों के तौर पर यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम सभी प्रत्याशियों से आपका परिचय करा देते हैं, उनका चुनाव चिन्ह उनके मुख से बताए देते हैं और उसके बाद बात करेंगे इस बाढ़ की। सबसे पहले जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है, आपका नाम क्या है, किस पार्टी? सभी को नमस्कार, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं, हमारा चुनाव चिन्ह है कमल जी। हाँ, मैं धर्मेंद्र ठाकुर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूं, हमारा चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है जी। मैं मनीष सोनी बबलू मांगजवार 3 से टीम सिद्धार्थ मलैया से प्रत्याशी। तीन प्रत्याशी इस मैदान में हैं। नगरपालिका दमोह के इस चुनाव में बहुत सारी अच्छी और आश्चर्यजनक बातें सामने आई हैं। किन्हीं किन्हीं वार्डों से 12 प्रत्याशी भी मैदान में हैं। तो यह वार्ड जो है मागंज वार्ड 3, और यहां पर केवल 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, और इन मैदान में सभी प्रत्याशियों से हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले पहुँच जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बालकृष्ण यादव जी के पास और जानते हैं क्या है उनका चुनावी एजेंडा। चुनावी एजेंडा आपका क्या है जिसको लेकर के आप वार्ड के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं? हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है जल निकासी का, जो कई वर्षों से हल नहीं हुआ है। जो हमारे पूर्व के प्रत्याशी थे, वो जो भाजपा के प्रत्याशी थे, वो उनने कुछ काम किए, कुछ नाली निर्माण हुआ। जैसे हमारे यहाँ टंकी सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, तो वार्ड में हम लोगों ने पानी की टंकी बनवाई, उसके बाद एक बहुत बड़ा सामुदायिक भवन बनवाया। ये कुछ ऐसी उपलब्धियाँ हैं। और जल निकासी के लिए चूँकि अभी लाइनें डली हैं तो नालियां कुछ टूट चुकी हैं, उनका हमें नई नालियां बनवाना है। और जो अब नालियां हम लोगों को बनवाना, जो हम लोगों ने अपने एजेंडा लेके चल रहे हैं, जो बाढ़ की प्रमुख नालियां हैं उनको हम कवर्ड करेंगे कि वो ओपन ना रहे, जिससे गंदगी ना हो, बार बार नालियाँ में कचड़ा ना जाए और जिससे गंदगी ना हो और मच्छर भी ना पनपे। ये मेरा प्रमुख एजेंडा है। प्रमुख एजेंडे की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने बताई, तो हम अब चलते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के पास। क्या कुछ बातें लेकर के आपके पास फिर से आएंगे, क्या कुछ बातें लेकर के आपके बाढ़ के लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ वादे कर रहे हैं, क्या कुछ यहां पर बाढ़ में आपको नज़र आता है जो करने लायक? हमारे वार्ड में क्या है, दमोह हॉस्पिटल के सामने से नाली बनवानी है, जो कि एक तरफ है एक तरफ नहीं है। इसके पहले जो पार्षद रहे उनसे भी कई बार बोला गया, जो कि नहीं बन पाई।
तो हमने वार्डवासियों को और सबको आश्वासन दे रखा है कि हम ये नाली का कार्य कराएंगे। चूँकि यहाँ राठौर किराना के बाजू से वहाँ पे चेकर से लगवाने हैं गुलिया में, और भी जो वार्ड की साफ सफाई है वो सब हमें कराना है, और बस वार्डवासियों का आशीर्वाद हमें चाहिए। तो मूल बात वही है, सड़कों का निर्माण, पानी की समस्या और नालियों के निर्माण की बात है। टीम सिद्धार्थ मलिया के प्रत्याशी से हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कुछ है, किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर? हम लोग उसमें विकास करेंगे, रोडों का, नालियों का, और तमाम व्यवस्थाएं साफ सफाई से लेकर प्रकाश व्यवस्था, जल व्यवस्था, ये सब विशेष ध्यान दिया जाएगा इस पर। क्या कुछ मूल मुद्दा लगता है जो आपके यहाँ पर जो नहीं हो पाया है, इसको करना चाहिए आप? यही रोडों से संबंधित है, रोड नहीं है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, गंदगी कीचड़ मचा, सफाई नहीं होती टाइम से, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चुनाव प्रचार करने आप लोग अब जा रहे हैं, क्या कुछ माहौल आपको नजर आ रहा है, पब्लिक क्या कुछ कह रही है आपसे, क्या मांग कर रही है? यही आवास को लेकर मांग करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, हमारे आवास नहीं आए, सफाई नहीं है, तो अपन को आश्वासन देते हैं कि भाई हम, हमारे द्वारा अगर हमें मौका मिलेगा तो हम विशेष ध्यान देंगे इस बात पर। काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने काम किया है, टंकी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, एक सामुदायिक भवन उपलब्धि हमारे वार्ड की, और ये पाइपलाइन जिसके माध्यम से हर घर में पानी फोर्स के साथ पहुंच रहा है, हमारे यहाँ पानी इतनी फोर्स से, मांगनबार 3 सिविल 8 ऐसे कुछ मांगन 2 ऐसे वार्ड हैं जहाँ इतनी स्पीड से पानी पहुंचता है कि हम लोगों को 2 मंजिल तक मोटर लगाने की आवश्यकता नहीं है, और हम लोग नाली निर्माण भी कराए, और भी ऐसे कई हैं, जैसे अभी हमारे लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि एक वार्ड में एक बहुत बड़ी व्यायामशाला हमारा बनाने का एक लक्ष्य है, जो युवा पीढ़ी को आगे लाने की उनकी सेहत के लिए, ये विशेष तौर से हम लोगों ने सोच के रखा है। जो 10 वर्ष के पहले के प्रत्याशी हैं, उस समय हमारे नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर साहब थे, जो विकास की बात आती है तो दमोह नगर पालिका में उस समय लगभग 1200 या 1300 वोट डली थी, जिनमें से 1180 वोट डॉक्टर भरत कुमार सिवारी जी को मिली थी। जो वो विकास कार्य हुए थे वो डॉक्टर साहब के विशेष सानिध्य में हुए थे, क्योंकि मांगज वार्ड 3 के हमारे जो डॉक्टर साहब निवासी हैं वो हमारे वार्ड के ही हैं, तो उस समय पार्षद की तो थी भूमिका, लेकिन सबसे अहम भूमिका हमारे डॉक्टर भरत कुमार सिवारी जी की थी, जो उस समय नगर पालिका के अध्यक्ष थे। तो विकास के काम हुए, मतलब? हाँ, विकास के संपूर्ण काम हुए। हमारे बीच मौजूद हैं नगर पालिका के पूर्व पार्षद, भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, संजू यादव जी से। सबसे पहले तो अपन ने जो हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो अपन ने पानी की टंकी बनवाई है अपने यहाँ, उसके बाद सामुदायिक भवन भी बनवाया है, नालियों की परेशानी हो रही थी नालियाँ बनवाई हैं, हाँ रोड नहीं बनवा पाए रोड, लेकिन ये बाद में बनी है। मतलब हमारे पार्षद हम नहीं रहे, मतलब 5 साल का हमारा कार्यकाल था, उस समय अपन 2, 3, 4, 5 बार भी नगर पालिका को लिख के दे चुके थे कि हमारे यहाँ के ये आजू बाजू की नालियाँ दोनों और ये 3 गुल्ली से लेके स्टेशन तक की रोड बननी है, तो वो स्वीकृत नहीं हुई थी। ऐसे अपन ने 18 से 20 काम लिखा के दिए थे, लेकिन उनमें से कुछ काम हुए थे, कुछ काम नहीं हुए थे, तो लेकिन काम तो हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं हुए हैं मेरे उसमें। चलिए, कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछ लेते हैं, क्या कुछ और आपको लगता है कि इस वार्ड में जो है वो होना चाहिए था सबसे पहले, जो पूर्व के वर्षों में हुआ ही नहीं? इस वार्ड में सबसे पहले तो पार्षद का घर घर आना जाना नहीं हो पाता। दूसरी चीज, आज पार्टी ने हमें टिकट दी है, तो सन 75 से इस वार्ड में कांग्रेस का पार्षद नहीं है, क्योंकि 2014 में हमें टिकट मिली, हमने अपना प्रयास जारी रखा, क्योंकि किसी कारणवश हम नहीं आ पाए, फिर हमारी पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, एक बार फिर जोर दिया है, जिसके कारण हमें दोबारा टिकट दी गई। जैसे मवेशी बाजार है, वहाँ बहुत से काम होने हैं, वही नाली नल का है और चेकर से लगवाने हैं, इसके पहले जो पार्षद थे उनने पूरी मेहनत की, लगवा पाए, कुछ नहीं लगवा पाए, बस यही हम आशा रखते हैं वार्डवासियों से और आप सब लोगों से। TSM के प्रत्याशी की तरफ फिर से दौड़ते हैं, क्या कुछ लगता है कि यह काम जो रह गया है वो होना ही चाहिए था इस वार्ड में, आपको क्या लगता है? होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अब अपन संपर्क करने जाते हैं तो लोग शिकायत दर्ज कराते, कहें सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई, जिसके कारण से
हमें ऐसा बोलना पड़ा। क्या क्या बोलते हैं, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहला काम एक ऐसा काम, चलिए मैं आपको मान लीजिए आप पार्षद बनते हैं, मान लीजिए आप पार्षद बनते हैं तो पहला काम ऐसा कौन सा होगा जो सबसे पहले इस वार्ड के लोगों के लिए आप कराएंगे? उनके द्वारा मांगी गई हर चीज पर संभव एक काम के बारे में पूछ रहा हूँ, एक काम कौन सा कराएंगे? कुटीरों का काम करवाएंगे। कुटीरें नहीं मिल पाई हैं? कई जगह गए हम तो कुटीरों की मांग करते हैं लोग कि हमारे लिए कुटी नहीं आई है, उसके लिए प्रयास करेंगे वो कुटीर दिलाने। कुटीर दिलाने की बात कर रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ चलते हैं। यदि आप इस चुनाव में विजेता बनते हैं, यहाँ की जनता आपको पार्षद चुनती है, सबसे पहला एक जो सबसे पहला काम है वो आप क्या कराएंगे? मेरा सबसे पहला काम है बाढ़ की सभी रोडों का निर्माण, वो भी इतनी मजबूती के साथ कि कम से कम लगभग 10 से 20 साल तक वो अनटच रहे, और जो नालियां हैं जो अभी टूट चुकी हैं या जो बननी है, गुणवत्ता मेरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य, गुणवत्ता से काम कराना ये मेरा सब महत्वपूर्ण लक्ष्य है। कांग्रेस के प्रत्याशी भी है, उनसे पूछ लेते हैं क्या कुछ एक काम जो बाढ़ के लोग यदि आपको पार्षद चुनते हैं तो सबसे पहला काम आप वो कराएंगे? सबसे पहले हमें अपने बाढ़ में नाली बनवानी है। नाली के बाद जो राठौर किराना के बाजू में कुलिया में चेकर्स लगने हैं वो कराने हैं, उसके बाद सबकी कुटीरें निकलवाने। सबसे कम कुटीर हमारे बाढ़ में निकली है, चूँकि निकली है कुटीर पर फिर भी कुछ लोगों के रह गए हैं जो कि निकलवानी है आगे। तो कांग्रेस के प्रत्याशी का भी कहना है कि वो काम कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो पार्षद रहे हैं उनसे एक बात पूछ रहे थे कि आपने इतने वर्षों तक इस बाढ़ की सेवा की है, क्या कुछ लगता है कि ये काम रह गया जो टी से आपके मन में ये काम होना ही चाहिए था लेकिन आप नहीं करा पाए? मेरे द्वारा नगर पालिका के लिए 18 से 20 काम दिए गए थे जो टेंडर लगने थे, लेकिन मालदी दीदी के कारण वो टेंडर नहीं लग पाए। आज भी मुझे वो गिलेश है कि मेरे द्वारा वो 18 काम नहीं किए गए, जैसे नाली का काम था, रोड का काम था, और जैसे कुगा पे मुनार बनवाना या कुछ काम बहुत बहुत काम थे, या सीसी रोड बनवाना है, या वृद्धाश्रम के पीछे वाला जो मस्ता रहता बरसात के समय में बहुत कीचड़ होता उसके लिए ठीक कराना, कोई काम नहीं हुए हैं वो, उसका मुझे दुख है आज भी। 18 काम की आप बात कर रहे हैं, टीएसएम के आप समर्थित हैं, टीएसएम का प्रत्याशी यदि यहाँ पर पार्षद बनता है तो सबसे पहला काम इस बाढ़ के लिए आप क्या कराएंगे? सबसे पहला काम तो हमें यही रोड का और नालियों का, सबसे प्राथमिकता वही रहेगी रोड की और नाली की। रोड नाली पीएम आवास की बात इस बाढ़ में उठ करके आई, और इस बाढ़ में ही नहीं सभी वार्डों में, नगर पालिका के जितने भी वार्डों में हमने बाढ़ परिक्रमा की है वहां पर यह समस्या सामने आई है। बाढ़ 3 के कुछ लोग हैं क्या, फिर से आता हूं मैं, बाढ़ 3 के लोग कुछ हैं इसमें क्या आम जनता में कोई लोग है क्या इसी बाढ़ के निवासी हैं? जी बताएं क्या कुछ समस्या आपको लगती है कि यहां पर जो है वो सबसे पहले पूर्ति होनी चाहिए? वो साफ सफाई की है सबसे ज्यादा, रोडों की मरम्मत सही नहीं है, साफ सफाई नहीं है। पिछले वर्ष भी काम करवाया गया था लेकिन संतुष्टिजनक नहीं था वो कार्य, तो इसी प्रकार से जो भी प्रत्याशी बनता है उससे यही अपील की गई है कि रोड की साफ सफाई और रोड की जो मरम्मत है वे सबसे पहले करवाई जाए। और हमारे वार्ड में कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो निर्धन अवस्था में हैं, तो उनके लिए पीएम आवास की योजनाएं भी दिलवाई जाएं। निश्चित ही बाढ़ के लोगों का यह कहना है कि उनकी सड़क बन जाए, उनके यहाँ की सफाई हो जाए, नालियाँ बन जाए, और जो गरीब लोग हैं, हितग्राही लोग हैं, चूँकि प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को कुटीर दी जाने का काम किया जा रहा है तो वह काम कराया जाए। एक और वार्ड के यहाँ पर मौजूद हैं, निवासी हैं, क्या कुछ लगता है इस वार्ड में क्या कुछ कमी रह गई है जिसकी पूर्ति होनी ही चाहिए? भाई साहब देखने जाता कोई भी पार्षद होता है किसी भी पार्टी का तो पूरा प्रयास करता है कि उस वार्ड का विकास हो। ऐसा नहीं है कि हमारे वार्ड में प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले हैं, प्रधानमंत्री आवास मिले हैं परंतु कुछ लोग उससे वंचित रह गए हैं। ऐसी आशा अपेक्षा कि जो भी जीत के आएगा उनको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। हमारे वार्ड में नियमित सफाई की बहुत कमी रही है, यह बात मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा। तो जो नगर पालिका के सफाई कर्मी हैं उनको स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि नियमित हमारे वार्ड की सफाई हो। जो हमारे वार्ड की सड़कें हैं, हमारे बाढ़ का अंदर का एक एरिया है ढोर बाजार वाला एरिया जो है वहाँ पे आज भी पक्की सड़क नहीं बनी हुई है, जिसमें बरसात के मौसम में पूर्णतः गंदगी होती है। एक पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है ताकि पानी की समस्या बाढ़ में ना जाए, परंतु उसके आसपास जो शासकीय भूमि डली हुई है उस पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके रखा है। यदि उस बाढ़ को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराकर वहाँ पर एक पार्क का रूप दिया जाए तो निश्चित ही बाढ़ वासियों के लिए उसका सुखद लाभ प्राप्त हो सकेगा। और ग्रामीण जो बाढ़ के लोग हैं उनकी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, समय से उनके लिए राशन मिले। जो हमारे मांगंज वार्ड नंबर 3 में एक ही स्कूल है, सरकारी स्कूल है,
उसकी आज एक यह स्थिति है कि ना है तो उसमें बाउंड्री वाल है और लगता नहीं है कि एक स्कूल है। तो वार्ड के पार्षद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि स्कूल व्यवस्थित ढंग से संचालित भी हो, टीचर समय से पहुँचे और बच्चों के लिए पूर्ण से अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकें। तो वार्ड के एक और सदस्य की बात थी कि है बात होनी चाहिए, आप भी इस वार्ड के निवासी हैं, क्या क्या कुछ लगता है इस वार्ड में क्या कुछ कमी रह गई है जिसकी पूर्ति होनी चाहिए? इस वार्ड में सब कुछ की कमी है, हर चीज़ की कमी है। पानी आता नहीं है, नल आते हैं एक दो दिन बाद। कुटीर के लिए जो गरीब लोग हैं उनको कोई शायद है 1-2% लोगों को कुटीर मिली हो। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, नालियाँ सब गंदी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं। आप मेरे साथ चल के देख सकते हैं, मलैया रोड चाहे स्टेशन रोड चाहे कोई रोड, नालियों की सफाई नहीं है, सड़कें व्यवस्थित नहीं। तो ये सब काम होना चाहिए, यह होना चाहिए। और कोई बाढ़ के लोग हैं? और कोई बाढ़ के लोग हैं? चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कोई बाढ़ के लोग हैं, आप हैं क्या? इस बाढ़ में रहते हैं, क्या कुछ कमी लगती है इस बाढ़ में जो पूर्ति होनी चाहिए? ये रोड है, नाली है, ये सब चीज़ों की कमी है। और हमें ऐसा पार्षद चाहिए जो 24 घंटे हम लोगों के साथ खड़ा रहे, ऐसा पार्षद चाहिए हम लोगों को, जो कहीं जाए ना, कहीं कुछ करे ना, ऐसे पार्षद हमें नहीं चाहिए। पार्षद ऐसा चाहिए जो 24 घंटे इनके साथ खड़ा रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पास पहुंच जाते हैं। और यहां पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर के सामने आई हैं, मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ लगता है कि प्राथमिकता के साथ इन लोगों के साथ, क्योंकि 2 वर्ष का एक गैप जरूर रहा है, ये बात सभी मानते हैं, सभी वार्डों में निकल करके सामने आ रहा है। उसमें सफाई व्यवस्था भी चरमरा रही है, चूँकि लाइनें डली है पानी की, उसमें सड़कों की व्यवस्था भी खराब हुई है, उसी वजह से नालियाँ भी डिस्टर्ब हुई हैं। तो क्या लगता है कि पहली प्राथमिकता आप तत्काल वो पूरी कराना चाहेंगे इस वार्ड के लोगों के लिए? जैसा कि अभी इतनी सारी बातें निकल के आई हैं, हमारे वार्ड में जो टंकी निर्माण हुआ उसकी बड़ी बड़ी पाइपलाइन रोड से बीचों बीच निकली, स्वाभाविक सी बात है कि पूरे शहर में अधिकांश वार्डों में नालियाँ और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो सर्वप्रथम तो वो मेरा लक्ष्य ही है कि सभी नालियाँ और अपना ये सभी सड़कें गुणवत्तापूर्ण बनाए जाना है, गुणवत्तापूर्ण बनाई जाए, आपका क्या कहना है? और इससे पहले भी जो हमारे पार्षद थे वो भी सिद्धार्थ भैया से संबंधित थे, जन भैया परिवार से थे, और अभी उनने भी TSM से उन्हीं का प्रत्याशी है। अब इससे ज़्यादा बड़ी बात तो काम करने की ज़रूरत इस वार्ड में है, और प्राथमिकता के साथ क्या काम कराएंगे? अंत में सवाल, अंत का सवाल ये है, वार्ड में हर रोज किसी को कोई काम पड़ता नहीं, मात्र पार्षद का काम है वार्ड की देख रेख करना, नालियों की देख रेख करना। वार्डवासियों को उस चीज़ का मौका ना दें, घर घर जाके लोगों की समस्याएं सुने, और चूंकि जनता को मौका ना दें तो आगे ऐसा कोई काम ना हो। बाकी बात की हर किसी को वो टाइम नहीं है और ना कोई परेशानी मात्र है, हम खुद पार्षद बनते हैं जो 5 साल के लिए, वो यदि हम अपनी जवाबदारी समझें तो फिर ये यहाँ का मौका ना आए, पर चूँकि हम ही भूल जाते हैं। निश्चित ही बहुत बड़ी बात है पार्षद प्रत्याशियों के लिए और पार्षद चुनने वाले लोगों के लिए है। गुरु हमारे बीच है, इस वार्ड के बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं। इस वार्ड की चर्चा चल रही है, इस वार्ड में क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ होना चाहिए, आपके नज़रिए से, आप अपने नज़रिए से इस वार्ड को कैसा तोलते हैं? बहुत बढ़िया वार्ड है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूँगा कि आप हम लोगों की बात जनता के बीच में पहुँचा रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा है कि समस्याएं तो हर जगह व्याप्त रहती हैं, और निर्माण विकास कंप्लीट थे, अब ये पाइपलाइन वगैरह जो डली है उसकी वजह से कहीं जो खुद खुदा गए वो सब कंप्लीट किए जाएंगे, शिकायत का कहीं किसी को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब जो नॉर्मल समस्याएं वही इस बाढ़ में, कोई विशेष मांग बाढ़ में नहीं है? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है, सारी समस्याओं का निदान पूर्व में किया जा चुका है। पूर्व में सारी समस्याओं को निदान किया जा सके, TSM के प्रत्याशी हैं। अंत में आपसे सवाल कर लेते हैं कि क्या कुछ पहली भूमिका, पहली जो बात जो आप करेंगे वो मुद्दा दिखता है आपको इस वार्ड में? कुटीर का है मुद्दा, और जो भी काम वार्ड में अधूरे पड़े हैं वो पूरे करवाएंगे, और हर महीना में एक बार जनता दरबार लगवाएंगे, उनकी समस्याएं का निराकरण करेंगे। निश्चित ही जनता दरबार लगा करके, कुटीरों का मामला करके, आप भी क्या इसी वार्ड के निवासी हैं? क्या आप भी इसी वार्ड से हैं? क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, सारी समस्याएं का निदान इस वार्ड में है। सभी प्रत्याशी जो मैदान में हैं, निश्चित ही सभी काबिल प्रत्याशी हैं,
जनता किसे मौका देती है और जनता का सवाल यही है, उनका सुझाव यही है कि वार्ड का प्रत्याशी जो भी बने, जो भी उनका पार्षद बने, वो 24 घंटे उनके साथ रहे। हर दिन उनको काम नहीं पड़ता, लेकिन जब भी काम पड़े पार्षद उनके कामों को पूरा करे जिससे उनकी समस्याओं का निदान हो सके। एसीएन न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम बाढ़ परिक्रमा में आप जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।